land sale in execution of degree. अब ऐसी property जो के execution of degree की सूरत में attach हो सकती है और उसको फेल भी किया जा सकता है. The following property is liable to attachment and sale in execution of a decree, namely lands, houses or other buildings, goods, money, bank notes, cheque, bills of exchange, hundis, promissory notes, government securities, bonds or other securities for money, debts, shares in a corporation, and sale as herein after mentioned, all other saleable property, movable or immovable, belonging to the judgment debtor, or over which, or the profits of which he has a disposing power, which he may exercise for his own benefit, whether the same be held in the name of the judgment debtor, or by an other person in trust for him or on his behalf. अब यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज जो हैं जिसमें लैंड्स आ जाते हैं, जड़ी ज़मीनें हैं या कोई भी प्लॉट वगैरह भी इसमें शामिल है, हाउसेज हैं, घर, इसके अलावा दूसरी बिल्डिंग, फिर गुड्स, गुड्स से मुराद अशिया, रकम है, बैंक नोट्स हैं, चेक्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, हुंडीज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो, उसके बाद प्रॉमिसरी नोट्स हैं जो हमारे मतलब के इंस्ट्रूमेंटल जितने भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो, स्टैम्प के ऊपर अगर कोई अथॉरिटी किसी को दे दी गई है, किसी को क्या दिया गया है कहीं पे आपका कोई राइट निकलता है किसी प्रॉपर्टी से, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं ये मेरा ख्याल है जो इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड जो होती हैं, वो इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स देखती हैं वो हैं, बॉन्ड्स हैं, अदर सिक्योरिटीज हैं, फॉर मनी, कागजात हैं, शेयर किसी भी कंपनी में, किसी फर्म में अगर कोई शेयर मौजूद है तो वो. इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल हो सकती है, चाहे वो मूवेबल है या इनमूवेबल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, या फिर किसी तरह की कोई मशीनरी वगैरह है, वो जो जजमेंट डेटर के नाम पे हैं या फिर किसी और के नाम पे हैं लेकिन जजमेंट डेटर के बिहाफ पे हो, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिससे जजमेंट डेटर किसी तरह का कोई भी प्रॉफिट हासिल कर सकता हो, या फिर कोई प्रॉफिट अगर किसी प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट भी मिलता है तो वो प्रॉफिट जो है वो भी लायबल टू अटैचमेंट होता है. Provided that the following particular shall not be liable to such attachment or sale. अब यहाँ पे तो पहले वो properties हो गई जिन्हें sale भी किया जा सकता है attach करने के बाद, लेकिन कुछ properties, कुछ अशिया ऐसी हैं जिन्हें sale नहीं किया जा सकेगा, ना ही उनको attach किया जा सकेगा. सबसे पहले हम इसके exception इसी के अंदर है. The necessary bearing apparel, cooking vessels, beds and bedding of the judgment debtor, his wife and children, and such personal ornaments as in accordance with the religious usage cannot be parted with by any woman. अब necessary bearing apparel जो उनके कपड़े छपड़े हैं वो, cooking vessels खाना पकाने के बर्तन, उनके बिस्तर, चारपाइयाँ, judgment debtor की, उसके बीवी की या उसके बच्चों की, और इसके अलावा जो पर्सनल ऑर्नामेंट, ऐसे तेवरात जो के किसी मजहबी अकीदे या मजहबी कोई भी इबादत वगैरह अगर की जाती है वो तेवरात पहन के, जैसे हिंदुओं में रिवाज होता है कि मखसूस जेवरात पहन कर या मखसूस जेवरात जो उनके देवी देवताएं हैं उनको पहना के इबादत की जाती है, तो इस तरह के जेवरात भी, और ऐसे जेवरात कैन नॉट बी पार्टेड विद बाय एनी वुमन, जो किसी औरत से अलग ना किए जा सकते हों, जैसे किसी हिंदू औरत का जो मंगलसूत्र होता है वो उससे अलग नहीं किया जा सकता, तो इस तरह की जो अशिया हैं उनको ना तो अटैच किया जा सकता है और ना ही उसे सेल किया जा सकता है. टूल्स ऑफ आर्टिसंस एंड वेयर द जजमेंट डेटर इज एन एग्रीकल्चरर, his implements of husbandry and such cattle and seed grains as he, in the opinion of the court, be necessary to enable him to earn his livelihood as such,
and such portion of agricultural produce or of any class of agricultural produce as may have been declared to be free from liability under the provisions of the next following section. Tools of artisan samrat, koi bhi aise औजार या हथियार जो कोई भी शख्स अपने अगर वो कोई पेंटर है पेंटिंग करके कमाता है तो पेंटिंग से रिलेटेड जितने भी उसके टूल्स या जो उसके औजार होंगे वो अगर वो कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर से रिलेटेड अगर वो अपना काम करता है रोजी कमाने के लिए तो उससे वो औजार या उसके हथियार अलग नहीं किए जा सकेंगे. एंड वेयर द जजमेंट डेटर इज एन एग्रीकल्चर अगर वो काश्तकार है तो काश्तकारी से रिलेटेड जितना भी उसका सामान होगा उसका हल उसकी जो क्या उसको कहते हैं खुरपा वगैरह जो भी ऐसी चीज़ जो कि काश्तकारी के दौरान इस्तेमाल होती है उसके बैल भी हो सकते हैं उसका हल चलाने वाला जो उनका जो होता है वो. इसके अलावा अगर ट्रैक्टर इसके साथ में हल चलाता है तो ये सारे इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो एंड सच कैटल एंड इसके अलावा ये सीड ग्रेन इस्तेमाल के बाद जो बाकी का जिसे दाना या जिसको बीज के लिए अलग से रख छोड़ा जाता है गंदम है चाहे वो किसी भी कोई भी चावल वगैरह से जो भी चीज़ जो है जिसको दोबारा या अगली खजा या जिसको कहते हैं रबी या खरीफ की फसल में काश किया जाना हो उसके लिए अगर दाना अलग से रखा हुआ है वो कोर्ट की ओपिनियन में कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वो समझती हो कि कोई शख्स अपना रिस्क या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा ऐसी कोई भी चीज़ ना तो अटैच की जा सकती है और ना ही उसको सेल किया जा सकेगा. जी बात है ना. नहीं बात है ना मेरा ख्याल है कुछ और होता है शायद मतलब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन वो उतना हिस्सा जितना के अगली फसल काश्त करने के लिए रखा गया होता है वो सीड ग्रेन जो है जो बीज के लिए रखा गया हो. एंड सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज मे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी फ्री फ्रॉम लायबिलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेक्स्ट. अच्छा बाकी जो आप नीचे जितनी भी प्रोविजन आती जाएंगी उसके तहत कोई भी प्रॉपर्टी का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वो हिस्सा जो के उसने अपने खाने के लिए रखा होता है अगर दाने के लिए अलग बीजों के लिए अलग बीजों के लिए जो फसल जो दाना रखा गया है वो अलग हो जाएगा और जो अपने इस्तेमाल के लिए खाने के लिए जो रखा गया होगा वो भी अटैच या सेल नहीं किया जाएगा. हाँ अलबत्ता उनके खाने पीने से अलग जो भी चीज़ होगी वो अटैच भी की जा सकती है और सेल भी की जा सकेगी. हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स विद मटीरियल एंड साइट्स देयर ऑफ एंड लैंड इमीडिएटली अपर्टिनेंट देयर टू and necessary for their enjoyment belonging to an agriculturist and occupied by him. ऐसे घर ऐसी बिल्डिंग या फिर ऐसी जगह जिनको ऐसी ऐसा दाना रखने के लिए या फिर गंदम खाने के लिए जो अनाज रखा है वो या फिर जो बीजों के लिए अनाज रखा है उसे किसी ना किसी जगह पर महफूज किया जाता है तो जिस जगह पर उसे महफूज किया जाएगा वो जगह या फिर वो बिल्डिंग वगैरह जो भी है उसको भी अटैच नहीं किया जा सकेगा. जी स्टोर की सूरत में भी हो सकता है. इसके अलावा जो गांव में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तरीके से मिट्टी की वो पता नहीं क्या वो होती हैं वो बना के मिट्टी के वो बना के बड़े बड़े से कंटेनर से जो होते हैं उसमें वो उन्होंने दाने वगैरह महफूज किए होते हैं या फिर भैंसों का चारा वगैरह जो है वो महफूज करने के लिए किसी ना किसी तरीके से इनको महफूज करने का जो भी गांव में रिवाज होते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं ना सिर्फ दाना बल्कि दाना रखने या दाने को महफूज रखने के लिए जितना भी वहां पे कोई घर कोई ऐसी चार दीवारी होगी उससे भी अटैच नहीं किया जा सकता. Uh,
ये हाँ बिल्कुल, गांव में मुख्तलिफ नाम इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नामों का मुझे नहीं कंफर्म। ड्रम हम लोग जैसे हमारे यहाँ पे तो बर्तन वगैरह रखने के लिए बड़े बड़े ड्रम होते हैं, तो वहाँ पे यही ड्रम मट्टी की सूरत में बनाए जाते हैं, या जमीन के ऊपर दाना रखा जाता है और उसके ऊपर फिर मट्टी के साथ शॉपर वगैरह लगा के मट्टी के साथ उसको अच्छी तरह से इसका लेप कर दिया जाता है। और वो अक्सर कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी बड़ी, हम लोग जब छोटे होते थे तो किसी ऐसी रास्ते से गुजरना तो वहां पे बड़े बड़े वो कब्रों की तरह बनाए होते थे, तो हम लोग सोचते थे देखते कि इतने बड़े बड़े लोग भी होते हैं जिनकी कब्रें इतनी बड़ी बड़ी बनी होती हैं। तो फिर बाद में पता चला कि ये कब्रें नहीं है बल्कि इसके अंदर जानवरों के लिए या गंदम वगैरह जो होती है वो छोड़ दी जाती है। उसके बाद है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी खाता जात वगैरह हैं वो मतलब जानवरों के चारे के लिए होता था ना। बहुत सारी ऐसी, अब वो जो भूसा है वो जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होता है ना। फिर मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस। अब अगर किसी शख्स का कोई नुकसान होता है और वो डैमेजेस क्लेम करना चाहता है तो महज इस वजह से उसका राइट, डैमेजेस क्लेम करने का जो राइट है वो भी अटैच नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद है एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस से मुराद अगर किसी तरह का कोई भी राइट, जैसे किसी के घर में मुलाजमत अगर कोई करता है, किसी के घर में कोई भी ऐसी सर्विसेज जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो उनको भी अटैच नहीं किया जा सकेगा। फिर है आगे स्टिपेंड एंड ग्रेच्युटीज अलाउंस होगा शायद ये टू प्रिजनर्स ऑफ द गवर्नमेंट और पेएबल आउट ऑफ एनी सर्विस फैमिली पेंशन फंड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड पॉलिटिकल पेंशन। आप कोई भी पेंशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट से जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, पेंशनर्स जो होते हैं सरकारी मुलाजमीन जब रिटायर्ड होते हैं तो उनकी पेंशन या फिर उनके जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो भी अटैच नहीं किए जा सकेंगे। जी हाँ टूडी टूडी कहते हैं बिल्कुल। ये टूडी जो है ये जानवरों को डाली जाती है ना, चारे में इस्तेमाल होती है टूरी को चारे में। वो एक बड़ा स्पेसिफिक सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है टूरी बंडा, कुर्बानी के दिनों में बड़ा सुना जाता है। अच्छा जी इसके बाद वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट वेदर पेएबल इन मनी और इन काइंड। इसके अलावा जो घरेलू मुलाजमीन होते हैं उन मुलाजमीन की तनख्वाहें, उनका मुआवजा वगैरह चाहे वो रकम की सूरत में दिया जाए या फिर और काइंड में, यानी कि महीने का राशन वगैरह अगर दिया जाता हो राशन की सूरत में, आटा घी चावल वगैरह दिए जाते हैं वो, या फिर रकम की सूरत में, वो भी अटैच नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 100 रुपीज एंड 1/2 ऑफ द रिमेंडर। तनख्वाह जो है वो भी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 100 रुपीज एंड 1/2 द रिमेंडर, यानी सबसे पहले जो तनख्वाह है तनख्वाह में से 100 रुपया अलग से निकाला जाएगा और बाकी की जो तनख्वाह बचेगी उसको हाफ हाफ किया जाएगा।
और जो हाफ हिस्सा होगा वो अटैच किया जाएगा और बाकी का उसे वापस कर दिया जाएगा। सीपीसी का हम लोग जो सेक्शन वाला पोर्शन है वो शुरू किया है हमने आज। जी सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 100 रुपीज एंड 1/2 द रिमाइंडर, जो चीज अटैच नहीं होगी, यानी सैलरी में से 100 रुपया निकाला जाएगा और बाकी की जो बचेगी सैलरी उसको हाफ हाफ किया जाएगा। आप पहला 100 रुपया और जो बाकी हाफ बची है वो अटैच नहीं होगी। बाकी सैलरी जो है वो अटैच हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 20,000 रुपया है सैलरी टोटल, तो 20,000 में से 100 रुपया निकाला जाएगा, बाकी कितने बच जाएंगे, 19,900 रुपये, उनको हाफ कर दिया जाएगा। हाफ और वो जो 100 रुपीज पहले निकाल लिए थे, 1/2 एंड 100 रुपीज ये अटैच नहीं किए जाएंगे, जो रिमाइंडर हाफ हिस्सा है वो अटैच कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? 100 की रीजन पता नहीं, हो सकता है वो कोई कच्चा पानी उसका कोई निकाला गया हो, कोई बंदा चाय शायद पी लेता है, कोई सिगरेट वगैरह अगर पीने हो तो वो उसमें से निकाल ले लिया जाता। बहरहाल 100 रुपया इसमें से निकाल लिया गया, अब जिसने निकाला है उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर सच सैलरी इज द सैलरी ऑफ अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट और अ सर्वेंट ऑफ रेलवे और लोकल अथॉरिटी and the whole or any part of the portion of that salary liable to attachment has been under attachment whether continuously or intermittently for a total period of 24 months such portion shall be exempt from the attachment until the expiry of a further period of 12 months and where such attachment has been made in execution of one and the same decree shall be finally exempt from the attachment in execution of that decree